नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार, आप हैं न्यूज़ फॉर नेशन पर। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो आज पटना में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। एसटीईटी बीईटी वाले जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार नियोजन की मांग कर रहे हैं सरकार से, और पटना के डबंगला चौराहे पर जो सुबह से ही विरोध प्रदर्शन वो दिख रहा था। इसी दौरान जब वहां पर छात्रों का गुस्सा ज्यादा जो है वो गुस्से में आया, उसके बाद वहां पर मौजूद अधिकारियों से एक तरीके से कहें कि उनकी हाथापाई हुई। तस्वीर सामने आई जिसमें एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के सिंह ने देखिए किस तरीके से एक युवक को बेरहमी से पीटा है। बताया जा रहा है कि युवक जो है वहां पर खुद के नियोजन की मांग कर रहा था, साथ ही साथ क्योंकि पिछले कई दिनों से ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो पटना गर्दनी बाग में धरने पर बैठे हुए थे, लेकिन लगातार आश्वासन पर आश्वासन मिलने के बाद जब इनका धैर्य जवाब दे गया तब ये तमाम लोग पहुंचे पटना के डबंगला चौराहे पर, और यहाँ पर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन जो है इनके तरफ से शुरू किया गया। और ये जब वहाँ पहुंचे तो वहाँ पर पुलिस ने रोकने की कोशिश की, क्योंकि उसके आगे प्रदर्शन करने की इजाज़त नहीं है, लिहाजा तमाम लोगों को वहां पर ही बैरिकेटिंग करके रोका गया। लेकिन इसी बीच में एक युवक जो है सड़क पर लेट करके सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी करता रहा और ये कहता रहा कि नीतीश कुमार ने इन जैसे लोगों को, इन जैसे छात्रों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। तो जो एडीएम लॉ एंड ऑर्डर हैं के सिंह, देखिए किस तरीके से बर्बर तरीके से युवक के ऊपर लाठी चार्ज कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इसके बाद वहां पर जो है जो के सिंह हैं उनकी जो है धक्का मुक्की जो है मीडिया वालों से भी हुई, क्योंकि वहां पर जो मीडिया के लोग कवर कर रहे थे उनको कवर करने से रोका गया। कई संवाददाताओं के साथ बदसलूकी की गई, जो तस्वीरें सामने आई उसके हिसाब से। उसके बाद जो एडीएम लॉ एंड ऑर्डर हैं वो वहां से भागते हुए अपनी गाड़ी में पहुंचे, और देखिए किस तरीके से अपनी गाड़ी में बैठे हैं, और वहां पर भी जो है मीडिया के सवालों से का जवाब देने से बचते नजर आए हैं। बता दें कि जो एसटीईटी बीईटी और टीईटी जो अभ्यर्थी हैं वो पिछले लंबे वक्त से बिहार में नियोजन की मांग कर रहे हैं, क्योंकि लंबे अरसे से बिहार में शिक्षकों की बहाली जो है वो एक तरीके से कहें कि रुकी हुई है। इन लोगों का ये कहना है कि इन लोगों ने परीक्षा तो पास कर ली है लेकिन नियोजन होगा कब, इस पर कोई भी तारीख जो है वो नहीं दी जा रही है। शिक्षा मंत्री से लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी इन छात्रों का जो गुस्सा है वो फूटा। कई हमले जो हैं बोले गए, बड़ी संख्या में जो छात्र थे वो मौजूद थे, और बड़ी बात ये कि इन छात्रों को रोकने के लिए एक तरफ जहां पुलिस ने लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, तो दूसरी तरफ खुद एडीएम लॉ एंड ऑर्डर जो है के सिंह, उन्होंने किस तरीके से युवक को बर्बर तरीके से उसके ऊपर हमला किया है, ये जो है वीडियो सामने आया। और उसके बाद इसकी एक तरह के जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद और गुस्से में आ गए हैं। लोगों का ये कहना है कि नौकरी के नाम पर इस तरीके से बर्बर तरीके से पीटना कहां तक न्याय संगत है। बताएं कि पटना की गर्दनी बाग में करीब एक महीने के आसपास के वक्त से ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं वे हैं वो धरने पर बैठे हुए थे, लेकिन सरकार का कोई भी कहें कि प्रतिनिधि जो है उनसे मिलने नहीं पहुंचा। इनका नियोजन होगा कब, इन तमाम चीज़ों पर जो है लगातार एक तरीके से कहेंगे टाल मटोल है वो देखने को मिला। जब बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी थे तब भी ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो उनके पास कई बार जा चुके थे, उनसे लगातार उनके तरफ से तारीख पर तारीख बताई जा रही थी, लेकिन सरकार बदलने के बाद अब ये विभाग तेजस्वी यादव की आरजेडी कोटे से मंत्री चंद्रशेखर के पास चला गया है, और उसके बाद से ही लगातार जो है छात्र फिर से जो है तेजस्वी यादव की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं कि तत्काल जो है इनके नियोजन को लेकर के सरकार जो है बड़ा फैसला लेगी। लेकिन जब कोई सुगबुगाहट नहीं हुई और जब ये निराश हुए उसके बाद इन तमाम लोगों की तरफ से पटना के डबंगला चौराहे पर जो है एक तरीके से कहें कि विरोध शुरू किया गया, प्रदर्शन शुरू किया गया। और उसी बीच में के सिंह का ये वीडियो सामने आया है जहां पर वो नौकरी मांग रहे अभ्यर्थी के ऊपर जो है बेरहमी से उसके ऊपर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं, और उसके बाद मीडिया वालों से भी वहां पर धक्का मुक्की हुई है, जिसके बाद के सिंह जो हैं वीडियो में नजर आ रहा है कि वो किस तरीके से भाग रहे हैं सवालों से मीडिया के। तो ये पूरी खबर है पटना डबंगला चौराहे पर, जहाँ पर लगातार जो है तनाव बना हुआ है। एसटीईटी सीईटी और बीईटी जो अभ्यर्थी हैं उनके तरफ से जो है वो तमाम लोग जो हैं वो नियोजन की मांग कर रहे हैं, लेकिन जो है सरकार इस पूरे मामले पर फिलहाल चुप्पी साधे हुए। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।